Hi everyone, myself Devendra Saini Wishing you a very happy new year to you and your family. I hope this year will be grateful for everyone. Today we will discuss a new topic. The topic is the allegation. What the, actually the allegation means here, the allegation means is mixture. Normally we can say allegation means is mixture but this topic is famously known as mixture and allegation and this topic is very useful in the various other topics like if i write the name of the other topics it, where we can use this allegation method like first of all we can say in the question of percentage in the question of percentage profit and loss profit and loss time speed and distance Ratio and proportion, ratio and proportion in the compound interest. Compound interest and various other topics we can solve the question of these topics from this method, like some specific question from this topic can be solved from the this allegation method. So, we will see how we can use this allegation method and how we can use this formula to solve the different type of the question asked in the examination.

फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड द एलिगेशन एक्चुअली एलिगेशन है क्या और इस फॉर्मूला को कैसे यूज किया जा सकता है सो यू कैन एबल टू अप्लाई दिस फॉर्मूला इन द डिफरेंट टाइप ऑफ द क्वेश्चन विदाउट एनी प्रॉब्लम सो यू कैन से वट द एलिगेशन मीन्स यहाँ पे एलिगेशन का मीन है क्या एक्चुअली द एलिगेशन इट्स अ रूल मेनली इट्स अ रूल विच यूज टू फाइंड आउट वेन टू गिवन क्वांटिटी ऑफ अ स्पेसिफिक प्राइस इज मिक्सड टूगैदर टू फोम अ स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ डिजायर प्राइस जब हम दो क्वांटिटी को मिक्स कर देते मान लो हमारे पास दो क्वान्टिटी क्वांटिटी क्वांटिटी टू वेन वी आर मिक्स दिस क्वांटिटी टू फोर्म अ क्वांटिटी थ्री एट अ स्पेसिफिक प्राइस एट अ स्पेसिफिक प्राइस देन दिस मैथड इज यूज टू फाउंड द रेशियो इन बिटवीन क्वांटिटी वन एंड द क्वांटिटी टू तो यू कैन अंडरस्टैंड लाइक एलिगेशन इज इट्स अ रूल टू फाइंड आउट द रेशियो इन बिटवीन क्वांटिटी वन एंड द क्वांटिटी टू विच आर यूज टू बी मिक्स टू फोम अ क्वांटिटी थ्री एट अ स्पेसिफिक प्राइस और डिजायर प्राइस हम बोल सकते हैं कि ये एक रूल है जब हम दो क्वांटिटी को मिक्स करते हैं और थर्ड क्वांटिटी ऑब्टेन करते हैं डिजायर्ड प्राइस का तो उसका रेशियो निकालने के लिए कि किस रेशियो में हमने उन दोनों क्वान्टिटी को मिक्स किया तब हम वहाँ पर एलिगेशन का यूज़ करते हैं सो नाउ वी विल यूज दिस फॉर्मूला

Like we have a two type variety of rice type A and a type B. Type A price is 20 rupee per kg, and type B price is 50 rupee per kg. We have a customer aata and he is saying he need a variety to 40 rupee per kg, but we don't have, we have only the 20 rupee per kg and the 50 rupee per kg. Then what the shopkeeper will do? He will mix both the prices. क्वान्टिटी एंड सेल दिस क्वानिटी एट अटी पर के जी वो मिक्स तो करेगा बट इन वट क्वान्टिटी और वट रेश रेशो में वो मिक्स करेगा वो रेशियो हम इस फॉर्मूला से निकालेंगे लाइक वी आर टू वराइटी ट्वेंटी रुपए पर के जी एंड फिफ्टी रुपए पर के जी एंड देर मिक्स टूगेदर टू फॉर्म ए वायटी रुपए पर के जी नाउ वी विल फाइंड आउट इन किस रेशियो में हम इन दोनों क्वान्टिटी को मिक्स करेंगे पर केजी क्वान्टिटी

कोस्ट प्राइस ऑफ डीलर क्वांटिटी मीन्स यहाँ पे जो वैरायटी हाइयर वैरायटी है जिसका प्राइस ज्यादा डेट वी कॉल्ड द डीलर क्वांटिटी सो वी विल राइट हियर 50 द 50 कोस्ट प्राइस ऑफ डीलर क्वांटिटी एंड ट्वेंटी इज द कोस्ट प्राइस ऑफ चीपर क्वांटिटी सो वी विल राइट हियर नाउ दिस इज द मेन प्राइज मेन प्राइस मीन द एवरेज प्राइस एवरेज प्राइस क्या है जिसपे सैलर बेचेगा शॉपकीपर जिसपे बेचेगा उसको द फोर्टी पर क्या जी द मेन प्राइज इज द फोर्टी सो वी कैन राइट द फोर्टी इज द मेन प्राइस वी कैन से एवरेज प्राइस so this is the formula where we can write the average price so you can write the information in this method now we will deduct 50 minus 40 will be 10 here and 20 minus 40 minus 20 will be 20 here so you will deduct cheaper quantity from the mean price and the mean price from the dearer quantity because the rate of the dearer quantity will be higher than the mean price and the rate of the cheaper quantity will be lesser than the mean price so we will deduct

तो यहाँ पे टोटल वन इंस टू टू की रेशियो में मिक्स करेंगे वन रेशियो ट्वेंटी किलोग्राम का और टू रेशियो फिफ्टी किलोग्राम का एडजूम करो अगर हमारे पास टोटल क्वांटिटी नाइन्टी के जी होती दोनों राइस का इफ़ वी हैव क्वांटिटी और नाइन्टी के जी तो हम पार्टिकुलर वेरायटी का वैल्यू भी निकाल सकते हैं लाइक वन बाई थ्री इंटू नाइंटी मीन्स थर्टी के जी थर्टी के जी ऑफ दिस वेरायटी एंड द लेफ्ट वन सिक्सटी के जी ऑफ दिस वेरायटी If we find out the ratio 13 to 16 is equal to 1 is to 2. So, by this method, you can find the quantity as well as the ratio. इन विच रेशियो दे आर मिक्स टू फॉर्म अ वाइटी ऑफ अर डिजायर्ड प्राइस सो यहाँ पे ये एलिगेशन का मीन होता है जो so, इस तरीके से यू कैन यूज दिस फॉर्मूला इन द डिफरेंट क्वेश्चन आप यहां पर क्वेश्चन में प्रोफिट के क्वेश्चन में टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चन में रेशियो के क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन में एलिगेशन मेथड को यूज कर सकते हो इफ यू कैन आस्क हाउ यू कैन यूज इन टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस वेन यू फाइंड आउट द एवरेज स्पीड द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ टू ट्रेन लाइक टू ट्रेन आर रनिंग बट इन द रेशियो Between their speeds. Here the speeds are not given. They increase by the 50 kilometer per hour, 60 kilometer per hour, and the average is the 40. Then you have to find out the ratio between the speeds. Similarly, in the case of the compound interest, like the compound interest is increasing quarterly, yearly, half-yearly, according to that. In this formula, then can you can use this allegation method? So we will see the different type of example how this allegation method can be used in the different. Different type of the topics. I hope you will understand it. Let's again I will explain. We have a two quantity quantity A rice, quantity B rice, and the rate is the 20 per kg and the 50 per kg, and the mean price is the 40 rupee per kg. And the total quantity is given to us 90 per kg. If we put this value in this formula, how we will put here the formula is cost price of cheaper quantity. चीपर क्वान्टिटी मीन द वैरा विच हैविंग द लोअर प्राइस है द लोअर प्राइस इज द ट्वेंटी रुपीज पर के जी द वैराइटी ए देन द कोस्ट प्राइस ऑफ डियर क्वांटिटी वी विलट डियर क्वान्टिटी इज द हाइयर प्राइज क्वान्टी हाइय हाइयर प्राइस वैराइटी हेयर द प्राइज वैराइटी द बी द फिफ्टी रुपी पर के जी सो वी विली हेयर मीन्स भी हमने यहाँ पे लिखा है जो मेन प्राइस मेन प्राइस इज द एवरेज प्राइस जो एवरेज प्राइस है उसका वी विलज प्राइस इज द फोर्टी रुपी पर के जी सो वी विल फोर्टी फोर्टी हमने यहां पर लिखा नाउ वी विल डिडक्ट मेन प्राइस फ्रोम द डियर क्वांटिटी बिकॉज द प्राइस ऑफ द डियर क्वांटिटी ऑलवेज बी हाईर देन द मेन प्राइस सिमिलरली वी डिडक्ट चीपर क्वांटिटी फ्रोम द मेन प्राइस बिकॉज द प्राइस ऑफ चीपर क्वांटिटी ऑलवेज सदन द मेन प्राइस सो हेयर वट वी गेट इट इज द रेशियो जो हमें यहां पर मिलेगा वो रेशियो में पता लगेगा कि इन विच वी विल फाइंड आउट द रेशियो ये हमारे पास रेशियो आ गई थे तो हमें इससे पता लग गया किस रेशियो में बोट द क्वानिटी आर मिक्स टूगैदर टू फॉर्म अ क्वान्टिटी ऑफ द फोर्टी रुपए पर के जी किस यहां पर हमने किस रेशो मिक्स किया फोर्टी रुपए पर के जी की क्वालिटी बनाने के लिए नाव नाइन्टी पर के जी हमें पता लग गया यहाँ से कि थ्री पार्ट में डिवाइडेड है तो वी कैन कैलकुलेट द थर्टी के जी फ्रोम द ट्वेंटी के जी वरायटी एंड द सिक्सटी के जी फ्रॉम द फिफ्टी के जी वरायटी आई होप यू अंडरस्टैंड दिस फॉमूला नाव वी विल सी द डिफरेंट एग्जाम्पल Example from the population, like uh, different type of the population, we will see. If I use the second example, here the second example. In a town in Delhi, the population was 40,000 initially in 2019. The population initially was 40,000, but this population in a year is increased.

in given population given population अब हमें निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ मेल और फीमेल इस फोर्टी थाउजेंड पॉपुलेशन में कितना है वी कैन फाइंड आउट दिस बाय दिस मेथड हम एलिगेशन के मेथड से इसको निकाल सकते हैं मे बी यू बी सरप्राइज बट वी कैन फाइंड आउट दिस क्वेश्चन बाय दिस मेथड हाउ वी कैन फाइंड आउट आई विल टेल यू तो फर्स्ट क्वेश्चन हम क्वेश्चन को समझते हैं क्वेश्चन गिवन टू अस वी हैव अब इन अ दिल्ली टाउन द टोटल पॉपुलेशन में फोर्टी थाउजेंड बट इन ईयर इट इंक्रीज टू सिक्सटी थाउजेंड मीन्स इंक्रीज ट्वेंटी थाउजेंड जो परसेंटेज मेल पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है वो फोर्टी परसेंट है जो परसेंटेज फीमेल पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है वो सिक्सटी फाइव परसेंट है तो हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ मेल पॉपुलेशन एंड द फीमेल पॉपुलेशन इन द टाउन कितना था पहले इंक्रीज होने से पहले कितना था सो हे फर्स्ट ऑफ ऑल वी वील फाइंड आउट द एवरेज इंक्रीज कितना है तो एलिगेशन में आपको यह भी याद रखना है कि एवरेज इंक्रीज कितना होता है क्योंकि हमें मीन यहां पे रखना होता है मीन यहां पे रखना है तो मीन का मतलब ही क्या होता है एवरेज का अगर आपने एवरेज वाला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज वॉच डैट वीडियो वहां पर हमने पूरा एवरेज का कंसेप्ट एक्सप्लेन किया फ्रॉम बेसिक टू द हाइय साइड हमने एवरेज को पूरा एक्सप्लेन किया सो यू कैन वॉच डैट वीडियो सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड आउट द एवरेज एवरेज इंक्रीज कितना है पॉपुलेशन में तो वी कैन फाइंड आउट फ्रॉम हियर हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि एवरेज पॉपुलेशन में इंक्रीज कितना है क्योंकि हमें पता है ट्वेंटी थाउजेंड इंक्रीज हुआ है ऑन अ बेस ऑफ फोर्टी थाउजेंड सो वी कैन राइट ट्वेंटी थाउजेंड इंक्रीज हुआ है फोर्टी थाउजेंड के बेस पे सो मीन्स हेयर इ द फिफ्टी परसेंट इंक्रीज सो एवरेज पॉपुलेशन इंक्रीज कितना हुआ चीपर क्वांटिटी है डियर क्वांटिटी भी है मीन प्राइस भी है तो हमें रेशियो निकालना सिंपल हो गया ना लाइक like द द मेल पॉपुलेशन भी हमारे पास फोर्टी परसेंट फीमेल पॉपुलेशन भी इंक्रीज है सिक्सटी फाइव परसेंट और दोनों का एवरेज इंक्रीज भी हमारे पास फिफ्टी परसेंट सो विल दिस फॉर्मूला ही है द इंक्रीज इन द मेल पॉपुलेशन इज द फोर्टी परसेंट गिवन टू अस इंक्रीज इन द फीमेल पॉपुलेशन इज सिक्सटी फाइव परसेंट गिवन टू अस एवरेज इंक्रीज इज दिफ्टी परसेंट जो हमने निकाला exactly है एवरेज इंक्रीज इज दी परसेंट ना वी हैव टू फाइंड आउट इन वट रेशियो एंड इन वट वैल्यूल्यू एग्जैक्टली है कि मेल पॉपुलेशन का नंबर्स कितना था फीमेल का कितना था ना वी विल डू द सेम फॉर्मूलाटिटी फ्रॉम द मेन प्राइस आउट एंड टेन फाइंड आउट थ्री इंस टू टू जो हमारे पास रेशियो आई है वो थ्री इंस टू टू आई है क्योंकि यहाँ पे फिफ्टीन है यहाँ पे टेन थ्री टू की टोटल पॉपुलेशन कैन बी डिवाइड इन टू फाइव पार्ट थ्री प्लस टू फाइव सो वी कैन फाइंड आउट द नंबर्स इफ आई फाउंड द मेल पॉपुलेशन इट्स थ्री इंटू टू थ्री डिवाइड बाई फाइव इंटू टोटल पॉपुलेशन बिफोर इंक्रीजिंग बाई फोर्टी थाउजेंड सो इट द पॉपुलेशन ऑफ मेल वाज ट्वेंटी फोर थाउजेंड एंड सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट द फीमेल पॉपुलेशन थाउजेंड वॉज द फीमेल पॉपुलेशन सो हे बाय दिस मेथड वी कैन सोल्व दिस क्वेश्चन द इंक्रीज इन द मेल टोटल पॉपुलेशन वॉज द फिफ्टी परसेंट मेल पॉपुलेशन गिवन टूअर्स फोर्टी परसेंट एंड फीमेल वास्टी फाइव परसेंट गिवन टू अस एंड नाउ वी हैव टू फाइंड आउट नंबर्स तो हमने नंबर्स निकाल लिए है यहाँ पे द फीमेल पॉपुलेशन वाज दिक्सटी सिक्सटीन थाउजेंड एंड द मेल पॉपुलेशन वाला ट्वेंटी फोर थाउजेंड अगर आपसे पूछा जाए इंक्रीज होने के बाद कितना है तो यू कैन टे सिक्स थाउजेंड फिगर इंस्टीट हो फोटी थाउजेंड सो यू कैन बी फाइंड आउट दाउ वी विल डू डिफरेंट टाइप ऑफ द क्वेश्चन आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंप्ट नाउ वी विल सोल द डिफरेंट टाइप ऑफ द क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज राजू हैव वन ट्वेंटी पेन्स ही सेल सम एट ट्वेल्व परसेंट ऑफ प्रोफिट एंड ओवरऑल प्रॉफिट इज इलेवन परसेंट फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ पेन सोल्ड एट प्रॉफिट तो हमें यहां पे दिया गया है टोटल नंबर ऑफ पेन्स इज गिवन टू अस हाउ मच पेन हमें निकालना है कितने पेन उसने प्रॉफिट में सोल्व किए हैं एंड ही सम्वेल्व परसेंट प्रॉफिट एंड समय क्वान्टिटी नहीं दी है क्वांटिटी हमें निकालनी है बट ओवरऑल प्रॉफिट इज इलेवन परसेंट कुछ एट परसेंट लॉस के बाद भी उसको इलेवन परसेंट प्रॉफिट होता है फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ पेन सोल्ड एट प्रॉफिट तो हेर वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ पेन सोल्ड एट प्रॉफिट निकालना है तो so हम एलिगेशन से इसको कैसे निकाल लेंगे वी कैन सी सो यहाँ पर आप लिख सकते हो The pen sold at the profit. We can write here the pen sell at profit on one side, and the pen sell at the loss other side. Loss me it gaya or profit In the profit he sell at a twelve percent profit. So here we can write he sell at a twelve percent profit. We can write here. And another he at sell at the eight percent loss. So we can write minus eight here. एट परसेंट लॉस क्योंकि यहाँ पे लॉस हो रहा है तो वी हैव टू टेक दिस क्वांटिटी इन माइनस हमें माइनस में, में लेना होगा क्योंकि यहाँ पे लॉस हो रहा है तो वी हैव टू टेक दिस क्वांटिटी इन द माइनस हो आपको ये चीज़ रिमेंबर रखनी है अगर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस के क्वेश्चन में लॉस में क्वांटिटी आती है और परसेंटेज में गिवन है तो यू हैव टू टेक इन माइनस ईयर And but overall profit is 11%. So this overall profit means average profit. Average profit 11 का कुछ ने loss में भी बेचे हैं, उसने profit में भी बेचे हैं, उसके बाद भी उसको 11% profit हुआ. So we can write this mean price is 11%. Now we have to find out the ratio. हमें हम हाँ देशों हमारे पास यहाँ जाएगा. We can find out the ratio from here. Then from ratio we can find out the numbers easily. So minus 8. तो पहले हम क्या करते थे? Minus 8 and minus 11. So we can write प्लस हो जाएगा माइनस माइनस नाइनटीन सिमिलरली ट्वेल्व एंड इलेवन वन हो जाएगा ट्वेल्व माइनस वन इलेवन ट्वेल्व माइनस वन इलेवन इज इक्वल टू वन सो द टोटल रेशियो इज नाइनटीन इज टू वन यहाँ पे नाइनटीन इंस टू वन का रेशियो हो जाएगा दिस इज द डियर क्वांटिटी अगर मैं फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखू दिस इज चीपर क्वांटिटी सेलिंग एट लॉस सेलिंग एट प्रोफिट एंड दिस इज द टोटल

टोटल ट्वेंटी पार्ट्स में डिवाइड कर सकते नंबर ऑफ पेन वन ट्वेंटी सो सिक्स तो वन फोटी पेन ही सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ ट्वेल्व परसेंट एंड रिमेनिंग सिक्स एट अ लॉस ऑफ 8%. So by this allegation method, you can solve this question also. Now we will move to the next type of the question we can solve from the allegation. So here is the next question. The next question is the milk and the water in the two vessels A and B are in ratio 4 is to 3 and a 2 is to 3 respectively. In what ratio the liquids in the both the vessels to be mixed to obtain a mixture of C. कंटेनिंग हाफ मिल्क एंड हाफ वाटर सो द क्वेश्चन इज अ पेड ट बी वेरी कॉम्प्लेक्स बट वी विल मेक इट वेरी सिम्पल तो यहाँ पर हमें मेनली दो क्वान्टिटी दी गई है ए एंड द बी हैविंग द रेश ऑफ मिल्क एंड वाटर फोर इज टू थ्री एंड अ टू इज टू थ्री एंड वी हैव टू फाइंड आउट दर्ड क्वांटिटी सी जो इन दोनों ए और बी क्वांटिटी को मिल के बनी है लाइक एन टू क्वांटिटी ए बी इन दोनों से हमने कुछ कुछ लिया और हमारे पास सी क्वान्टिटी आ गया है जो सी क्वांटिटी है उसके अंदर मिल्क एंड वाटर का रेशियो वन इज टू वन में गिवन टू अस कंटेनिंग हाफ मिल्क एंड द हाफ वाटर जो हमारे पास थर्ड क्वांटिटी है उसके अंदर रेशियो वन इज टू वन है एंड जो हमारे फर्स्ट क्वांटिटी है उसके अंदर रेशियो फोर इज टू थ्री है एंड द सेकेंड क्वांटिटी हैविंग द रेशो टू इज टू थ्री सो दिस इज द क्रक्स ऑफ द क्वेश्चन गिवन टू एस द टू क्वांटिटी ए एंड बी हैविंग द रेशियो फोर इज टू थ्री एंड द टू इज टू थ्री ऑफ मिल्क एंड वाटर मिक्स टूगेदर एंड ए क्वांटिटी थर्ड हैविंग अक्सर वन इज टू वन Now we have to find out in what ratio in what ratio A and B are mixed together. In which ratio we have mixed A B? Ko mix so we have to find out that quantity. So here we can write like we have in the ratio. So four is to three. We can write here the quantity of A is four is to three, and the quantity of B is two is to three. तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकालेंगे मिल्क इन द गिवन क्वांटिटी द इन द गिवन क्वांटिटी द अमाउंट ऑफ मिल्क तो हम निकालेंगे इन द ए बट इज द अमाउंट ऑफ मिल्क फोर बाय सेवन वाई आई राइट फोर बाय सेवन द बिकॉज रेशियो इज गिवन मिल्क एंड वाटर मीन्स इन दिस सेवन पार्ट्स फोर प्लस थ्री इन सेवन पार्ट फोर पार्ट्स आर मिल्क एंड थ्री पार्ट्स आर वाटर सिमिलरली इन टाइप बी सोल्यूशन

this is the given one this is the average one given to us so we can write this average one here 1 by 2 now we have to find out the quantity of the given solution a and b karmic ratio we here to find to form this quantity c so we will use the simple allegation method as we used earlier so here 1 by 2 minus 2 by 5 if we divide minus 1 by 2 minus 2 by 5 is given to us 10, 5, 4 is equal to 1 by 10. We can write 1 by 10 here. Similarly, 1 by 2 and 4 by 7. 4 by 7 minus 1 by 2. 14, 8 minus 7 is equal to 1 by 14. So, we can write 1 by 14 here. So, total ratio is here 1 by 10, ratio 1 by 14.

3 parts of water, so total parts are 7. And out of those 7 parts, 4 parts are from milk. So we write 4 by 7 quantity of milk. Similarly, in the second part, total part 5 and 2 parts from the milk. So 2 by 5. Similarly, in the final C quantity that will be formed, having the 1 by 2 quantity given to us, the half milk and half water is coming from 1 by 2 amount of in the milk. So we can write 1 by 2 here.

now we will understand the second concept in the mixture part the concept is if you have a container having the some amount of liquid like the milk or water or wine it's having

Containing x unit of liquid, you can take liquid can be water, milk, wine etc. From which y units are taken out. Like हमने भी example एग्जांपल लिया, 10 liter हैं हमारे पास, तो x है, उसमें से हमने 1 liter remove किया, are taken out and replaced by water. उस 1 liter को हमने replace किया, water से रिप्लेस बाय water. After n operation, ये मैंने पांच बार कर दिया ऑपरेशन, we have to done this five times. देन क्वांटिटी ऑफ प्योर लिक्विड जो टोटल टेन लीटर था उसमें कितना मिल्क बचा है क्वांटिटी ऑफ प्योर लिक्विड वी हैव टू फाइंड तो अगर जनरली हम देखेंगे तो इट विल टेक मोर देन टू टू थ्री मिनट टू सोल्व दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन बट बाय दिस फॉर्मूला वी कैन सोल्व इन द थर्टी सेकेंड्स लाइक वी हैव द टोटल क्वान्टिटी टेन लीटर एक्स वीव टोटल नंबर क्वांटिटी नाउ वन माइनस हमने कितना निकाला हर बार में वन लीटर वी है कितने बार हमने किया चार बार हमने ऑपरेशन किया so we suppose we done this operation four times so n is the number of operation here so we can simply find out 10 lcm 10 minus 1 raised to power 4 is equal to 10 into 9 by 10 into 9 by 10 into 9 by 10 into 9 by 10

एंड दिस वाई क्वान्टिटी द क्वान्टी रिमूव इन द ऑपरेशन हमने उससे निकालना शुरू किया लाइक like टेन लीटर हमारे पास वाइन है हमने से उसमें से एक लीटर वाइन निकाला और उसको एक लीटर पानी से रिप्लेस कर दिया फर्स्ट ऑपरेशन में और हमने सेम ऑपरेशन को दस बार रिपीट किया है एक लीटर निकाला एक लीटर पानी डाला फिर से निकाला फिर से डाला एंड उसको हमने दस बार रिपीट किया एंड इज द नंबर ऑफ ऑपरेशन नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द क्वांटिटी ऑफ द वाइन लेफ्ट इन द मिक्सचर एंड द क्वांटिटी ऑफ द वाटर इन द मिक्सचर किस रेशियो में वो हो होगा तो वी कैन सोल्व दोस टाइप ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम दिस फॉर्मूला तो इस फॉर्मूला से हम मिक्सचर के ये वाले क्वेश्चन भी सोल्व कर सकते हैं जब ऑपरेशन को नंबर ऑफ टाइम रिपीट किया जाए अभी हमने एलिगेशन नॉर्मल देखा कि हमने ऑपरेशन को नॉर्मली वन टाइम ही रिपीट किया अगर उसी ऑपरेशन को मैं नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करता हूं देन वट विल बी द लेफ्ट इन द गिवन मिक्सचर्स नाउ वी विल सी द क्वेश्चन ऑन दिस कंसेप्ट नाव वी विल सी दिस क्वेश्चन ऑन से नंबर ऑपरेशन इज रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम इज एट लीटर आर ड्रन फ्रॉम काफ वाइन We draw 8 liter from a cask full of wine and is replaced by water. 8 liter we draw wine and replaced by 8 liter of water. This operation is performed three more times. The ratio of wine and water in the cask is 16: to 65. हाउ मच वाइन डिड द कास्क होल्ड ओरिजिनली हेयर वी है फाउंड द ओरिजिनल वाइन इन द कास्क हेयर दट द क्वेश्चन इज सेम क्वेश्चन इज सेम हम हमने हमारे पास कुछ अमाउंट ऑफ वाइन था जिसमें से हमने एट लीटर ऑफ वाटर एट लीटर ऑफ वाइन निकाला रिप्लेस किया हमने वाटर से वही ऑपरेशन को हमने टोटल चार बार रिपीट किया एक बार सिंपल देन अगेन थ्री टाइम मोर टाइम टोटल हमने चार बार उसको रिपीट किया और जो फाइनली हमारे पास रिश्यू है वाइन और वोटर का सिक्सटीन इंटू सिक्सटी फाइव है तो वी हैव टू फाइंड आउट ओरिजिनली हाउ मच वाइन डिड द कास्क है कितना वाइन था ओरिजिनली एज वी डिस्कस द फॉर्मूला द रेशियो कितना होता है फाइनली रेशियो लेफ्ट इन द मिक्सचर इज इक्वल टू एक्स द टोटल नंबर ऑफ द लिक्विड इन द गिवन गिवन गि वन माइनस वाई वाई इज द मिक्सचर वी रिमूव्ड वन कितना क्वांटिटी हमने रिमूव किया है एंड एन नंबर ऑफ टाइम कितना रिपीट किया तो हेयर वी कैन राइट n is given to 4 us, yes. y is given to 8 because we removed the 8 liter and x we have to find out and this is given to us 16 is to 65 and ratio given to us is 16 is to 65 this is the ratio given. So we have to find the x. So let we, how many let care let the wine in the cask barge, wine in the cask x liter we assume the total wine in the cask was x liter now we put all this value in this formula and we simply find the how much liter of wine was in the cask so we can let this show 16 divided by 65 is equal to x we have to find out x 1 minus y y is 8 here 8 divided by x

how we can calculate the ratio of wine here because the total parts are 65 plus 16 total part are 81 here and i have to find out the wine 16 divided by 81 because in the total mixture the left the wine is the 16 and the total quantity are 81 as we discussed earlier also so in this place we have to write 16 divided by 81 instead of 16 divided by 65 because here the ratio is given to wine is to water total ratio is given to wine is to water we have to add 65 plus 60 is equal to 81 out of those 81 how many how much wine left 16 so 16 divided by 81 is left 1 and we will find out so from here we can find out 16 divided by 81 we can write 16 is how much 2 raised to power 4 and 18 is 3 raised to power 4 we can write 2 by 3 raised to power 4. Because if we square again square again square the 2, then we have 162 16 2 to the 4 to the 8 to the 16. Similarly, the 81 is the quad of the 4, a quad of 3. So we multiply we can write 2 by 3 raised to power 4 is equal to x into 1 minus 8 by x raised to power 4. So this power. डिडक्ट फ्रॉम दिस पावर एंड फ्रॉम हियर द वैल्यू ऑफ एक्स इज ट्वेंटी फोर लीटर तो आप यहाँ से वैल्यू ऑफ एक्स निकाल सकते हैं इसको फर्दर सोल्व करके द वैल्यू ऑफ एक्स विल कम टू द ट्वेंटी फोर लीटर सो दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन कैन बी सोल्व फ्राम द दिस फॉर्मूला सो सिंपली यू हैव टू अंडरस्टैंड द

इज रेशियो दिस इज द मोस्ट कन्फ्यूजिंग बिकॉज यू आप क्या करते हैं यहां पे यू हैव टू राइट डायरेक्टली जैसे मैंने पहले लिखा तो आप यहां पे डायरेक्टली लिख देते हैं द रहे थे डायरेक्टली बट आपको देखना है कि आपको क्वांटिटी ऑफ वाटर निकालना है क्वांटिटी ऑफ वाइन निकालना है उसके अकॉर्डिंग वी हैव टू राइट रेशियो तो हेयर वी हैव टू फाइंड आउट द क्वांटिटी ऑफ द वाइन तो हमने उसके अकॉर्डिंग रेशियो लिखी बिकॉज इन दिस रेशियो दिक्कसटीन पार्ट इज फ्रॉम वाइन एंडी फाइव पार्ट फ्रॉम द वॉर एंड द टोटल पार्ट आर द एट्टी वन सो वी विल्सटीन बाई एटी वन इज इक्वल टू दिस फॉर्मूला एंड फ्रॉम दिस फॉर्मूला एक्स इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर सो यू कैन फाइंड आउट दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम यूजिंग सिंपल दिस फॉर्मूला सो यू कैन इजिली रिमेंबर दिस फार्मूला सो दिस इज द कंप्लीट मिक्सचर एंड द एलिगेशन पार्ट इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन शन इन द कमेंट सेक्शन बिलो और यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल एट द रेट सिविल ट्रैक एट द रेट सिविल ट्रैक और यू कैन मेल अस सिविल ट्रेक ऑफिशियल एट द रेट जी मेल डॉट कॉम आई विल रिप्लाई टू ऑल ऑफ योर आंसर प्लीज ट्राई टू प्रैक्टिस ईच क्वेश्चन फ्रॉम द मिक्सचर एंड एलिगेसन सो ये हमेशा हमेशा के लिए आपका टॉपिक तैयार हो जाएगा इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर टू द अदर स्टूडेंट्स सो दे विल भी बेनिफिटेड फ्राम दिस वीडियो एंड वन अस अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड यूर फैमिली थैंक यू फॉर वॉचिंग